जूते फटे पहनकर हम पर्वत पर चढ़े थे, हौसले तो हमारे शुरू से ही बड़े थे। पहले तलवार टूटी फिर कट गए बाजू, पहले तलवार टूटी फिर कट गए बाजू, बावजूद हम इसके देर तक लड़े थे। दुश्मन ने भी सर काटने से पहले सर झुकाया, दुश्मन ने भी सर काटने से पहले सर झुकाया, जब देखा मैदान में हम निहत्ते खड़े थे। हौसले तो हमारे शुरू से ही बड़े थे। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। दोस्तों, अपनी लाइफ में जो भी हम टारगेट बनाते हैं वहाँ तक पहुँचने में अक्सर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी हमें लगता है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, कभी हार्ट ब्रेक या फैमिली प्रेशर, बहुत कई बार हमें डर का सामना करना पड़ता है और बहुत सी बार हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। ये अलग अलग सीढ़ियाँ होती है और ये सीढ़ियाँ अगर आप क्रॉस करते जा रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप हर एक सीढ़ी पार करने के बाद अपने लक्ष्य के और नज़दीक पहुँचते जा रहे हो। क्योंकि दुनिया ये नहीं देखती कि आपका रास्ता क्या था, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आपने मंजिल प्राप्त की या नहीं की। जरा सोचिए, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले एक सीढ़ी पहले ही हार मान लेते और बाकी सीढ़ियाँ आपने पार कर लिया, लेकिन सिर्फ एक सीढ़ी पहले आपने हार मान के अपना लक्ष्य छोड़ दिया, तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। क्योंकि याद सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए अंतिम समय तक बिना डरे, जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो आप, हमको मेहनत करती ही रहनी है और जरूर आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जरूर हमारे लक्ष्य पूरे होंगे, अवश्य होंगे, जरूर पूरे होंगे। और एक और बात, अगर जब हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट ए एग्ज़ाम ऑफ रिमेम्बरिंग बट इट इज़ ए एग्ज़ाम ऑफ रिकॉलिंग। मतलब यूपीएससी का सिलेबस इतना वाइड होता है, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, आर्ट एंड कल्चर ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, करंट अफेयर्स हो गया, ये बहुत ही वाइड होता है। तो इन सबको माइंड में याद कर पाना और उसको मेंटेनेंस रख पाना, दो चीज़ें हैं। एक तो उसको याद कर पाना और उसको रिकॉल कर पाना एग्ज़ाम टाइम पे। तो याद आप बेशक कम कर पाओ, लेकिन आपने जितना याद किया है समय पे उसको रिकॉल कर पाओ। क्योंकि जो यूपीएससी का प्री होता है उसका पैटर्न देखिए आप क्या, कि आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होगे कि हाँ मैंने इनमें ये पढ़ा तो ये क्वेश्चन, तो इन चारों में से इसका क्या आंसर हो सकता है, तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा रिमेंबरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉलिंग, कि जो आपने याद किया है आप उसे दोबारा से रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अपने दिमाग में उसे बात को बैठा पा रहे हो या नहीं बैठा पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी इज़ नॉट ए एग्जाम ऑफ रिमेंबरिंग बट इट इज़ एग्जाम ऑफ रिकॉलिंग। अगर आपकी रिकॉलिंग करने की क्षमता, रिकॉलिंग करने की कैपेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और उसके साथ साथ हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि जो यूपीएससी प्री 2020 होने वाला है, जो जिसकी डेट है 31 मई, तो उसके लिए हमारा एक कोर्स चलने वाला है जो कि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको डेली हमारे चैनल पे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हाईली क्वालिफाइड तरीके से बनाए जाएंगे, किस बात को ध्यान में रखते हुए, जो 31 मई को यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की जाएगी, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे उसमें, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट के आप उसमें कवर कर सकेंगे, करंट अफेयर्स भी। और उससे आपको जो मिशन है टारगेट 2020 यूपीएससी प्री क्वालिफाई करना, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो प्री में आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो समय आ गया है कि विदाउट एक्सक्यूज़, नो एक्सक्यूज़, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। तो उनकी जितने भी हमारे वीडियोस डालने वाले अपकमिंग, जो भी हमारी एमसीक्यूज वीडियोस की 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे जो चैनल है जीएस स्पेशल, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियोस अपलोड करें क्वेश्चंस की, तो वो आप तक फटाफट उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू।